नहीं तो यही हो रहा है, ऐसे घर छोड़ करके भाग रहे हैं, ऊपर वार पकड़ रहे हैं, यही परेशानी है। भोजन के दिक्कत है, कहाँ खाएंगे, कहाँ कौन चीज करेंगे, परेशानी दिक्कत हो रही है। अभी क्या कुछ परेशानी हो रही है भैया? बहुत कुछ परेशानी हो रहा है। अच्छा, कितने कब आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग आए 6 बजे। अच्छा, 6 बजे से कुछ खाना पीना भोजन कुछ की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं हुआ? नहीं। यही रसोई की बात करें तो सामुदायिक रसोई, कल जब हमने रिपोर्टिंग किया और प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आज के विषय में कि आज से सामुदायिक किचन शुरू की जाएगी, लेकिन दिन के 11:30-11:30 बज चुके हैं और अब तक सामुदायिक किचन शुरू नहीं हुई। जो स्वागत है आपका एक बार फिर से, प्रकाश लाइव के तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। अभी हम मौजूद है NH 57 का, यह तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार बाढ़ का तबाही झेल रहे दादर कुल्हुआपुर पंचायत और कई पंचायत इसमें बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार 2 दिनों से लोग यहां पर अपना आशियाना बना रहे हैं और देख सकते हैं लगातार। और आपको बता दें कि लगातार इससे पूर्व साल भी लोगों ने यहीं पे NH पर आकर शरण लिया था। और देख सकते हैं यहां पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ परेशानी हो रही है। बाबा, अभी क्या कुछ परेशानी हो रहा है? परेशानी तो यही हो रहा है, ऐसे घर छोड़ करके भाग रहे हैं, ऊपर वार पकड़ रहे हैं, यही परेशानी है। भोजन के दिक्कत है, कहाँ खाएंगे, कहाँ कौन चीज करेंगे, घर द्वार छोड़ छाड़ के आए हैं। बानपुर सरकार के ओर से मदद उदत मिल रख? अभी कुछ नहीं, सरकार के तरफ से मदद उदत कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। खाना वाना कैसे खाए? अब खाना कहाँ है, ऐसे खाए खाना? अभी तो भूखे प्यासे पड़े हैं, बैठे हुए हैं, ऊपर बार पकड़े हैं। डर उर नहीं लग रहा? डर लग रहा है ना, तो और है ग्रामीण, इनसे ही बात करते, क्या दिक्कत हो रहा है बाबा? दिक्कत वही हो रहा है जो यहाँ पानी पानी ना है, कुछ रौदा में जल रहा है, भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं। सरकार के कोई आँख मौत नहीं है, ये क्या देगा न देगा, कि जनता रहेगा कि ना रहेगा, भूखे मर जाएगा जगह रौद में, तटा के कुछ नहीं दे रहा है। कौन पंचायत में आपका घर? ये लक्ष्मीपुर पंचायत है। नाम के भेल? नाम हरीशा। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं क्या परेशानी दिक्कत हो रही है। अभी क्या कुछ परेशानी हो रही है भैया? बहुत कुछ परेशानी हो रहा है। अच्छा, कितने कब आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग आए 6 बजे। अच्छा, 6 बजे से कुछ खाना पीना भोजन कुछ की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो यहीं पर रहिएगा? तो कहाँ पर जाएंगे, पूरा देखते हैं, बाढ़ आ गया है, पूरा धस गया, घर आंगना डूब गया, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, यहीं पर ना रहेंगे। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 10 आदमी। मुखिया उखिया कोई अभी तक पन्नी को कुछ कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। नहीं। कौन सा पंचायत में आप? लसगाड़ीपुर पंचायत। और देख सकते हैं तमाम अभी तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, NH 57 के पास का ये तस्वीरें हैं। और यह बहुत बड़ी आबादी जो गांव में बसती है वहां का, जब सभी लोग सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, कि देख सकते हैं लगातार जो नाव से भी लोग आ जा रहे हैं। और तस्वीरें अभी आप खुद देख सकते हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वही। और देख सकते हैं यहाँ पर BD न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या अभी इधर का परेशानी, अभी कितने बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, क्या स्थिति लग रहा है? देखिए, मिठन सराय गाँव जो लश्करीपुर पंचायत के अंतर्गत आती है, जो NH 57 दरभंगा 4 लेन है, उससे काफ़ी सटा हुआ है और शहर के भी काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे लगभग 30,000 से 35,000 की आबादी बसती है। मिठन सराय गाँव से सटे हुए कई अन्य गाँव हैं, कुलवा पैगम्बरपुर पंचायत का भी कई हिस्सा आता है, वो पूरी तरह से बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि होने के बाद घिर चुका है। बाढ़ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लगातार लोगों का पलायन जो है वो गांव से हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव में जो नाव चल रही है, ग्रामीणों का कहना है कि नाव की जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है, और NH से सटे हुए काफ़ी दूर तक जो गांव है, 3 किलोमीटर की दूर पे गांव पड़ती है, वहाँ से लोगों को आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। आप समझ सकते हैं कि एक नाव से आदमी को ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, उधर का क्या स्थिति लग रहा है? स्थिति बहुत भयावह है, लगातार वृद्धि हो रही है, पानी बढ़ रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और सरकारी सुविधा की बात करें तो सरकारी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिला है अब तक। सामुदायिक रसोई की बात करें तो सामुदायिक रसोई, कल जब हमने रिपोर्टिंग किया और प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आज के विषय में कि आज से सामुदायिक किचन शुरू की जाएगी, लेकिन दिन के 11:30-11:30 बज चुके हैं और अब तक
सामुदायिक किचन शुरू नहीं हुई, जो तंबू बम्बू आप दिख रहे हैं उसमें लोग रह रहे हैं और उन लोगों के घर में अब तक चूल्हा तक नहीं जला है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। विधायक से सवाल पूछने पर क्या कुछ बोल रहे थे? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि की जहाँ तक हम बात करें तो निरीक्षण करने से सिर्फ समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि का अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय जो मुखिया है लश्करीपुर पंचायत के, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनको साधुवाद करना चाहेंगे। वो लगातार इस जगह पे मुस्तैद रह करके लोगों की समस्या को लेकर के लगातार अधिकारियों से संपर्क में है, अधिकारियों से उनकी समस्या को लेकर के अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन करना तो अधिकारी को है। अब तक महिलाओं के लिए न शौचालय की व्यवस्था हो पाई है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाई है। कई प्रकार की समस्या देखी जा रही है। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? भूख से बिलबिला रहे हैं। महिलाएं जो है, पुरुष जो है, सबसे बड़ी चीज़ कि जिनके घर में पानी आ गया है, बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ी है, वो लोग कमाने कैसे जाएंगे? जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? और इस स्थिति में सरकारी सुविधा न मिलना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं मिठनसराय ही नहीं, कांटी क्षेत्र का कई ऐसा इलाका है, कुलवा पैगम्बरपुर का कुछ हिस्सा हो गया, दादर कुलवा पंचायत के विजय छपड़ा की बात करें, मुस्तफ़ापुर पंचायत की बात करें, इन सभी जगहों पे बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि होते ही लगातार लोगों के घर में पानी जा रहा है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अभी हम NH57 पे थे और यहाँ पर BD न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, यहाँ पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो पे निकले थे, उनसे ही बात किए हैं। हकीकत क्या है पूरी आपको जानकारी देखने को मिल रही है? स्थानीय मुखिया और यहाँ के आपदा प्रबंधन के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, खुद सुनिए। यहाँ पे आए थे, क्या काफ़ी भयावह स्थिति है। मतलब ये अंतिम विकराल स्थिति है, इसको यह कहिए कि इसके बाद और क्या विकराल हो सकता है। बहुत ख़राब स्थिति है, क्योंकि लगभग लश्करीपुर पंचायत के लगभग 7000 की आबादी पूरी तरह प्रभावित है, क्योंकि इस गांव के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से बांध है, नदी के पेटी में यह गाँव बसा हुआ है और अभी तक सरकारी व्यवस्था सुन है, एक नाव के अलावा कोई व्यवस्था यहाँ प्रशासन के द्वारा मुहैया नहीं कराया गया है। कछुए के चाल से यहाँ धीरे 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 लोग चल रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है और उसमें हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधियों का क्या हाल होगा, बेहतर आप समझ सकते हैं। कितना घर इधर प्रभावित हुआ? घर वही 1800 घर। नाव चालक है जो बोल रहे थे कि उनको पैसा नहीं दिया जाता है, क्या भाई? पिछले साल जो नाव यहाँ चला था उस नाविकों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ। बार बार अंचल कार्यालय में इस प्रश्न को उठाने के बावजूद भी नाविक का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए नाविक लोग मरमाहत हैं और नाविक लोग नाव चलाना नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है जो चलाने से क्या फ़ायदा है जब पैसा ही हमको नहीं मिलेगा। एक तो मनरेगा की मजदूरी हमको मिलती है और उसके बाद भी वो अभी पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। सामुदायिक किचन के लिए आप देख रहे हैं जो बांस का पंडाल लग चुका है, इसके अलावा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, उसके आप स्वयं साक्षी हैं, प्रत्यक्ष गवाह हैं। लोग बोल रहे थे कि दो दिन से ऊपर हो गया मगर अभी तक चालू नहीं हो पाया। सत्य है, लोग बोल रहे हैं, वो सही है। आपको तो कम लोग बोल रहे हैं, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, हमको क्या झेलना पड़ रहा है सुबह से शाम तक वो मैं जानता हूँ या यहाँ की पब्लिक जानती है। किनका लापरवाही देखा? भाई प्रशासन की लापरवाही है और किसकी लापरवाही होगी? हमारे पास कोई मद है थोड़ी, हमारे पास कोई योजना है थोड़ी जो हम इसका निदान कर देंगे। हम तो जनता के और आपके प्रशासन के बीच की एक कड़ी है। हमारा काम है जनता के समस्या को एक पदाधिकारी के प्रशासन के समक्ष उठाना, उस बात को रखना, करना नहीं करना तो प्रशासन के हाथ में है। यहाँ पर सरकारी नाव की व्यवस्था कराई गई है, जिसने निजी नाव को हम लोग परमाना दिए, इसको अधिग्रहित कर लिए हैं। कुल यहाँ पर हमें 14 नाव लश्करीपुर में, 7 नाव कुलवा में, कुल काटी प्रखंड में अभी तक 23 नाव हम लोग चला रहे हैं। सरकार के द्वारा भोजन का व्यवस्था, कमेटी किचन की तैयारी की जा रही है, जो आज से मेरा कमेटी किचन चालू हो जाएगा, जो आप देख भी रहे हैं कि पंडाल उंडल लग गया है, कल रात से ही इस पर काम चल रहा है। PhD इससे लगभग 6000 परिवार प्रभावित है, 6800 के आसपास का है आंकड़ा ये। हाँ, जो फिर पानी बढ़ा है तो उसका और आंकड़ा बढ़ सकता है। एग्जैक्ट फिगर हमको फिर 2 बजे तक सर्वे के आधार पर आ जाएगा। आज शाम से चालू हो जाएगा किचन? तो अभी ही चालू हो जाएगा, शाम तक नहीं, अभी चालू हो जाएगा, कुछ देर में काम हो रहा है किचन वाले पे। सुबह अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम बिलाल खान हुआ, कांटी अंचल के स्टाफ हुआ, आपदा देखते हैं।